आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल, आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। Which can exist independently? मॉलिक्यूल एक प्योर सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स पाए जाते हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, वाटर, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी है 3। कार्बन डाइऑक्साइड एटॉमिसिटी इसकी 3। ग्लूकोज 6 + 12 18 + 6 24, इसकी एटॉमिसिटी है 24। तो कितने एटमों की तादाद है एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। आज मैं इनको क्लासिफाई करूंगा तीन बुनियादों पे। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। या हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। इसके आगे फर्दर कैटेगरीज हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हों, उन्हें कहेंगे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनमें सिर्फ एक एटम हो। सेकंड, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हो, उन्हें कहेंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल हो, उन्हें कहते हैं ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ओजोन, एटसेट्रा। नेक्स्ट, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल हों,
उन्हें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, लाइक H2SO4, ग्लूकोज। ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। सेकेंड कैटेगरी मॉलिक्यूल की, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें हम दो कैटेगरीज को स्टडी करेंगे, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सारे के सारे सिमिलर एटम्स के मिलने से बनते हैं, जैसे O2, O3, P4, S8, ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट तरह के एटम के मिलने से बनते हैं, जैसे वाटर, इसमें दो डिफरेंट तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम हैं, ऑक्सीजन के एटम हैं। H2SO4, इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तीसरी कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वेट, इसको हम मजीद दो में तकसीम करेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हैविंग स्मॉल साइज एंड लो मोलेकुलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज लार्ज हो, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, हाई मॉलिक्यूलर वेट हो, उन्हें हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स और ट्रांसपोर्ट करता है इसको पूरी बॉडी में। ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल होता है, यानी आप कह सकते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी जो है वो 10,000 है। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स हैवियर होता है।
सेकेंड टॉपिक है हमारा आइन। आइन क्या होता है? जब भी किसी एटम के वैलेंस शेल से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है या उसमें ऐड होता है तो वो एटम आइन कहलाएगा। आइन्स आर दो स्पीशीज। Which carry either positive or negative charges. आयन की दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन एक को बोलते हैं नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन कब बनता है और नेगेटिव आयन कब बनता है पहले इसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आइन, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव आइन बनता है। लेट्स से कि एक एटम है ए, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव आइन बनेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लूज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। पॉजिटिव आयन का एक दूसरा नाम भी है केटाइन। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सिंगल पॉजिटिव आयन बनेगा, एक चार्ज उसके ऊपर आएगा। अगर कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर टू पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई एटम तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर थ्री पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आइन, जब कोई एटम, लेट्स से एक जनरल एग्जांपल है बी, जब कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आइन या फिर अनाइन बनेगा। जब एक एनायन बनता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आइन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहां पे मैंने बताया कि यूनि नेगेटिव आइन की फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, जबकि जब यूनि नेगेटिव आइन एक मजीद इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो डाई नेगेटिव आइन बनेगा, और डाई नेगेटिव आइन बनाने के लिए एनर्जी दी जाएगी। तो ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस।
जैसे मैंने बताया कि अगर एक कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो टू पॉजिटिव आयन, इसी तरीके से जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसी लिहाज से उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एक नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है टू नेगेटिव, तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो थ्री नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा। एक बात हमेशा याद रखें, पॉजिटिव आयन कैटायन फॉर्मेशन और अनायन फॉर्मेशन में जो भी कैटायन्स और अनायन्स बनेंगे वो हमेशा डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे अपने पेरेंट न्यूट्रल एटम से। द कैटायन्स एंड अनायन्स पोजेस ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर corresponding neutral atoms. बहुत सारे ऐसे आयंस हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी अगर एक ग्रुप ऑफ एटम है और उसके ऊपर कोई चार्ज आ गया है तो हम कहेंगे कि ये एक आयन है जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल है, जैसे CO3 टू नेगेटिव, SO4 टू नेगेटिव, PO4 थ्री नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज है। अब एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन जिन पे जिनके ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज होता है वो लेस कॉमन होते हैं इन नेचर। जैसे एक एग्जांपल NH4, दूसरी कार्बोकेटाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे ये एक कार्बोकेटाइन है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये लेस कॉमन होती हैं इन जनरल। मॉलिक्यूलर आयंस, जैसे मैंने बताया कि जब एक एटम के ऊपर एक चार्ज आता है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको हम आयन बोलते हैं। इसी तरीके से जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एक चार्ज आता है तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करेगा तो इस पे जो चार्ज, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन। इस तरह CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, ये मॉलिक्यूलर आयन्स हैं। अब मॉलिक्यूलर आयन्स बनते कैसे हैं? जब किसी गैस से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एक्स रेज गुजारी जाती हैं तो उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। जैसे ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ पे कोई गैस फील्ड है, तो जैसे ही यहाँ से कैथोड रेज
बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एस्केप आउट कर देंगे, तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसे ऐसे एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाता है जिसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। यहाँ भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि जो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन्स होते हैं वो ज़्यादा अबंडेंट होते हैं अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स की निस्बत। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स आर मोर अबंडेंट देन अनायनिक वंस। थैंक यू।